हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही टेस्टी, केवल 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली बेसन की बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट बर्फी की रेसिपी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बर्फी कितनी सॉफ्ट है। तो दोस्तों, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर केवल हमें 3 ही इन्ग्रीडियंट है जो कि मेन है। यहाँ पर लिया मैंने 2 कप बेसन, यानी 250 ग्राम बेसन है ये। तो यहाँ पे लिया है मैंने 3/4 कप चीनी। तो आप देख सकते हैं, तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लिया मैंने 1/2 कप घी, जिसको मैंने पिघला लिया है। तो चलिए बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ी छलनी में बेसन को डाल दिया है। तो बेसन को हम छान लेंगे। इससे क्या होता है, इसमें जो मोटी मोटी डलियाँ होती है बेसन की, ये निकल जाती है और हमारी बर्फी जो है एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो जो मोटे मोटे इसमें डंठल हैं, इनको हम निकाल देंगे। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। आप देख सकते हैं बेसन एकदम अच्छी तरह से छन चुका है। तो अब बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया है। तो इसमें मैं सारा बेसन पहले डाल दूंगा और इसको मैं हल्का सा फैला दूंगा। और बेसन डालने के बाद अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं घी, तो थोड़ा घी बचा ले जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो सारा एक बार में ना डालें, तो पहले हम बेसन और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसन और घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तब इस पैन को मैंने चढ़ा दिया है गैस पर और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। और इस मीडियम फ्लेम पर ही हमें इस बेसन को अच्छे से लगातार चलाते हुए इसी तरह से कुक करते जाना है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें घी आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब बेसन धीरे धीरे पकता जाएगा तो ये अपने आप ही घी छोड़ता जाएगा और हमारा जो बेसन है एकदम ढीला हो जाएगा, यानी एकदम आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो बस हमें इसी तरह इसे चलाते हुए बेसन को कुक करते जाना है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि बेसन के एक एक दाना जो है अलग हो चुका है, पर हमें इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए कुक करते जाना है। तो इसको हमने लगभग 10 से 12 मिनट लगातार चलाते हुए कुक किया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर अब कितना बदल गया है, इसने घी छोड़ना है वो शुरू कर दिया है। तो अब इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने डाल दिया चीनी और इसमें डाल दिया मैंने 1/2 कप पानी। तो पानी और चीनी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इसमें डाल दूँगा मैं 10 से 12 केसर के धागे। इससे एक अच्छा सा कलर आएगा चाशनी में और बर्फी में भी। तो चाशनी को हमें अच्छे से उबलने तक, यानी कि चीनी को घुलने तक हमें इसे उबाल लेना है। तो चीनी हमारी धीरे धीरे घुल रही है और चाशनी में एक अच्छा उबाल आ चुका है। तो अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। तो हमें हल्की सी चिपचिपी चाशनी चाहिए, ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस हल्का सा इसमें तार बनना चाहिए, हल्का सा तार। ज़्यादा तार की चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो हमारी बर्फी जो है वो एकदम टाइट हो जाएगी। तो बस हल्का सा इस तरह हमें तार बनाकर देखना है, वो बन रहा है मतलब चाशनी हमारी एकदम बनकर तैयार है। तो अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। तो हमारी चाशनी अब रेडी हो चुकी है। तो बेसन भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, इसको भी हमें ध्यान में देना है जब हम चाशनी बना रहे हैं। तो बेसन हमारा कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका अच्छा सा कलर आ चुका है, इसका अच्छा सा टेक्सचर आ चुका है, इसने घी भी छोड़ दिया है। तो दोस्तों, बर्फी को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर केक का टिन लिया है। तो इसको मैं घी से अच्छे से ग्रीस कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमारी बर्फी जो है आसानी से बाहर निकल आएगी। तो केक टिन हमारा रेडी है, यानी जिसमें हम बर्फी जमाएंगे। तब हमारा जो मिक्सर है उसमें हम डाल देंगे आधी चाशनी, सारी एक बार में नहीं डालेंगे, पहले आधी चाशनी डालेंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लगातार चलाते हुए।
तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बची हुई चाशनी भी इसमें डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं थोड़े से चॉप किए हुए बादाम, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाला है मैंने 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे केक टिन के अंदर, यानी कि बर्फी टिन, जो भी आप बोले। तो मिक्सर को मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस स्पैचुला की सहायता से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगा ताकि हमारी बर्फी जो है एकदम अच्छे से शेप में कटे। तो बर्फी को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं लगभग 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा, फिर हम इसमें कट के निशान लगाएंगे। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं हमारी बर्फी जो अच्छे से सेट हो चुकी है, अच्छे से नहीं मतलब हल्की से सेट हो चुकी है, पर अभी भी ये हल्की सी गर्म है। तो यहाँ पे मैं इस पर लगा रहा हूँ थोड़ा सा चांदी का वर्क, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, ना चाहें तो ना यूज़ करें। तो चांदी का वर्क मैंने इस पर लगा दिया है। तो अब यहाँ पर मैं कट के निशान लगा दूंगा। तो आप जिस शेप में भी जाएं बर्फी में कट के निशान लगा सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आप चाहें। तो दोस्तों बर्फी में मैंने कट के निशान लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं लगभग 15 मिनट के लिए और अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बर्फी अच्छे से सेट होकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बैक का नीचे वाला पार्ट है इसको मैं लगभग 2-3 सेकेंड के लिए गैस पर रख दूँगा ताकि हमारी बर्फी वो आसानी से निकल जाए और नीचे से गर्म होकर। तो इस पर मैं रख दूँगा एक प्लेट और बर्फी को निकाल लूँगा और इस पर हल्का सा टैप करूँगा ताकि हमारी बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी कितनी आसानी से निकल गई है बाहर। तो अब इसके ऊपर रखूँगा मैं एक प्लेट और बर्फ़ी को फिर से पलट लूँगा। तो दोस्तों हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ पास से, आप देख सकते हैं इसका अंदर का टेक्सचर। तो बर्फ़ी को मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। दोस्तों बर्फी को मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी बर्फी लग रही है बेसन की। केवल 3 चीज़ों से बर्फी बनकर तैयार हुई है और बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं ऑप्शनल हैं, आप यूज़ करें या ना यूज़ करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है, आप यकीन नहीं करेंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ और घर पर इसे ट्राई करें, दोस्तों बहुत ही अच्छी रेसिपी लगेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।